तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान, जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमारा बचाओ बेंजोडाइजिपिन्स का पार्ट था, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेंजोडाइजिपिन्स कैटेगरी में मैंने अब तक तीन ड्रग डिस्कस कर दी है, क्लोनाजेपाम, क्लोराजेपेट और क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ठीक है, इन तीन ड्रग्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके आगे का पार्ट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो भी पार्ट है उसको मैंने ट्रिक से आपको बता दिया था कि कैसे कैसे करना है। ट्रिक याद रखना, DLF खेलती तेनाली, खेल से कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों से आपको चीज़ों को जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, डी से डाइजेपाम, एल से लोराजेपाम, एफ से फ्लोराजेपाम और टी, टी से क्या याद रखना है, टी से याद रखना है आपको ट्रायजोलम। ठीक है, ते नाली, ते नाली से क्या याद रखना है, ते से याद रखना है टेमाजेपाम, एन से याद रखना है नाइट्राजेपाम और एल, ए एल से याद रखना है, ए एल आई से एल्प्राजोलाम। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया आपको। उसके साथ वो एक और चीज़ आप ऐड कर लो, एक और ड्रग है मिडाजोलम करके, मिडाजोलम। तो ऐसा ऐसी ट्रिक भी बना सकते अपन के DLF खेलती है तेनाली मिड सेमेस्टर के दौरान, है ना। तो मिडाजोलम को मिड सेमेस्टर से याद कर लो। ठीक है, मिड सेम होते हैं ना आपके, मिड सेम एग्ज़ाम, उससे याद कर लो। तो शुरू करते हैं अपन नाइट्राजेपाम से। ठीक है, नाइट्राजेपाम, अब जैसे मैंने बोल दिया नाइट्राजेपाम, तो नाइट्राजेपाम का स्ट्रक्चर बनाने के सबसे पहले बेसिक स्केलेटन आप बना लो। बेसिक स्केलेटन बनाने के बाद ये मैंने फिनाइल ग्रुप बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिनाइल ग्रुप बना दिया। अब इसमें देखिए, मैंने बोला था कि अगर ड्रग के नाम में नाया नहीं आए तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के स्थान पे NO2 लगाएंगे, तो हम यहाँ पे NO2 लगा देंगे। ठीक है, बेसिक स्केलेटन बनाने का मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक स्केलेटन बनाओ आप। ठीक है, डबल बॉन्ड वो लगाओगे, वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे, नाइट्राजेपाम बोला तो नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। अब जैसे नाइट्राजेपाम बोला, पूरे बेसिक स्केलेटन में कहाँ सिर्फ चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे सिर्फ नाइट्रो ग्रुप चेंज करना है। ठीक है, तो हमारा ये ड्रग बन गया नाइट्राजेपाम। ठीक है, नाइट्राजेपाम हमारा ड्रग बन गया। अब इसके बाद हम बात करें नाइट्राजेपाम के बाद, तो नाइट्राजेपाम के बाद आता है ऑक्साजेपाम। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रग हमारा ऑक्साजेपाम करके हमारा ड्रग आता है। अब ऑक्साजेपाम, हाँ, तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्साजेपाम के बारे में। ठीक है, तो ऑक्साजेपाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले अपने नाइट्राजेपाम के बारे में जाना। ऑक्साजेपाम के बारे में डिस्कस करते टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर ड्रग में ना या नी नहीं है, ना या नी नहीं है, तो उस केस में हमेशा आपको कौन सा ग्रुप लगाना है, क्लोरीन लगाना है। ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको लगाना ही लगाना है किसी भी कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा लगाओगे, क्लोरीन लगाएंगे। और ऑक्सा अगर बोल रहा है तो हमें कौन सा ग्रुप लगाना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अगर वो ड्रग के नाम में एट आ रहा है, ATE, या फिर ऑक्सा आ रहा है, तो ये सॉल्ट फॉर्म में होंगे, है ना। तो ATE का सॉल्ट फॉर्म क्या होगा, सी डबल बॉन्ड OH, है ना। जैसे क्लोरजेपेट मैंने बताया आपको, क्लोरजेपेट जो है उसमें सी डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, है ना, थर्ड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड OH है। वैसे ही ऑक्साजेपाम में भी OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबरिंग बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे अपन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, सेवेंथ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया क्लोरीन। अपन ने अगर लगा दिया है तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि वो कौन सी ड्रग बन गई, ऑक्साजेपाम।
कुछ नहीं करना है, बस आपने को कुछ कुछ चीज़ें ही ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ कौन सी है, ठीक है। ड्रग के नाम से ही पहचानना आप सीख लो तो बेहतर रहेगा, और यही तरीका है सबसे ईजी। अगर आप रट्टे बैठोगे कि यार इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके के साथ आप चलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑक्साजेपाम बता दिया, ऑक्साजेपाम के बाद जब नेक्स्ट ड्रग है हमारी, ऑक्साजेपाम के बाद नेक्स्ट ड्रग है हमारी लोराजेपाम। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे लोराजेपाम के बारे में। लोराजेपाम की स्पेसिफिक ट्रिक आप ध्यान रखना है ऑक्स लो। जैसे हमने ऑक्साजेपाम को पढ़ा वैसे हमें लोराजेपाम को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऑक्स को हम क्या बोलते हैं, बैल बोलते हैं ना, तो हिंदी में वैसे बोलते हैं कि ऑक्स लो, मतलब बैल लो, बांध लो, या ऑक्स लो बोलते ना। तो ऑक्साजेपाम से अपने को लोराजेपाम याद करना, ये स्पेसिफिक ट्रिक ध्यान में रख लो, ठीक है। अब जैसे ऑक्साजेपाम में भी नायानी नहीं था, वैसे भी लोराजेपाम में भी नायानी नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो क्लोरीन का क्लोरीन ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो स्पेसिफिकली मैंने बता दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या रहेगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, लो से कुछ समझ में आ रहा है, लो से आपको उतना जल्दी समझ में आना चाहिए कि लो का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्लो बोल रहा हूँ, क्लो, लो क्लो एक जैसा सुनने में लग रहा है ना, लो क्लो, लो क्लो। तो अगर मैं क्लो बोल रहा हूँ तो क्लो से क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्लोरीन कहाँ लगाओगे, एक्स्ट्रा हेलोजन यहाँ लगाएंगे सर हम, एक डैश, दो डैश, तीन डैश, चार डैश, पाँच डैश, छः डैश, ठीक है, छः डैश में पे लगा, छः डैश वैसे हो गए नंबरिंग, दो डैश पे जो है एक्स्ट्रा हेलोजन अपन लगाएंगे, है ना। यहाँ पे फिर से अपन क्लोरीन लगा देंगे, तो ये अपनी ड्रग बन गई लोराजेपाम, ठीक है। ऑक्साजेपाम से ही अपने को याद रखना है, ऑक्साजेपाम के स्ट्रक्चर में ही अपने को क्लोरीन लगा देना है ये टू डैश पोजिशन पे, ठीक है। अगर टू डैश पोजिशन पे मैंने लगा दिया है, टू डैश पोजिशन पे अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो ये कौन सी ड्रग बन गई, लोराजेपाम बन गई, है ना, ठीक है। याद कैसे करोगे, लो से याद रखोगे क्लो, ठीक है, क्लो से याद रखोगे क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन भी कहाँ, जो एक्स्ट्रा हेलोजन है वहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिकली ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। और लोराजेपाम के बाद, लोराजेपाम मैंने बता दिया, अभी मैं एक स्पेसिफिक ड्रग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस स्पेसिफिक ड्रग का नाम आप ध्यान रखो, उस स्पेसिफिक ड्रग को बोलते हैं अपन डाइजेपाम, ठीक है। ये मेजर कैटेगरी की ड्रग है डाइजेपाम मैं बोल रहा हूँ तो डाइजेपाम, ठीक है। तो सबसे पहले आप बनाओ बेसिक स्केलेटन, ठीक है, बेसिक स्केलेटन बनाना चालू कर दो। बेसिक स्केलेटन मैंने बनाया, बेंजीन बना दिया, ये सेवन मेंबर ड्रिंक में मैंने फिर से ये फिनाइल ग्रुप लगा दिया, एक्स्ट्रा फिनाइल ग्रुप, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करो कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जानो कि अगर मैं डाइजेपाम बोल रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, डाइजेपाम में ना या नी नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा ग्रुप लगना है आपका, यहाँ पर आपका फिर से क्लोरीन ग्रुप लगना है, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप अगर यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कंपलसरी है, ठीक है, यहाँ का डबल बॉन्ड हमें नहीं हटाना है, ठीक है। और जो फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन है उसी से अपने को एक स्पेसिफिक ग्रुप लगाना है, उस ग्रुप का नाम है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल ग्रुप अपने को जोड़ना है इससे, मिथाइल ग्रुप अगर अपन ने जोड़ दिया इससे तो ये जो ड्रग बन गई आपकी, ये ड्रग बन गई आपकी डाइजेपाम, ठीक है। डाइजेपाम में यही स्पेसिफिकसिटी है कि इसके फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन करके मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान में रखो कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ चेंज हो रहा है, यही सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। फिर बाकी यहाँ नीचे कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। जब मैं बोलूँ कि एक्स्ट्रा हेलोजन है तभी यहाँ पे लगाना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे उठ के नहीं लगा देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, नंबरिंग कर लो,
नंबरिंग करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11 पे ये हो गया। अब इधर से भी चालू कर देते, 1-2-3-4-5-6, ठीक है। तो ये मैंने इसकी नंबरिंग बता दी किस तरह से हो रही है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डायजेपाम हो गया, ठीक है। डायजेपाम में स्पेसिफिकेशन क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन था उसको सब्स्टिट्यूट करके मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। यही तुमको स्पेसिफिक ध्यान रखना है और इसके आगे और सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायजेपाम के बाद एक और ड्रग आती है अपनी टेमाजेपाम, ठीक है। अब टेमाजेपाम, अगर मैं बोल रहा हूँ टेमाजेपाम, टेमाजेपाम मैं बोल रहा हूँ, टेमा, ठीक है। तो इसके लिए आप स्पेसिफिकली जान लो कि ये दो तीन ड्रग के कॉम्बिनेशन में से बनी हुई एक तीसरी ड्रग है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेडो, वो बोलते ना कि ऐसा टेढ़ा क्या चल रहा है, टेढ़ा क्या चल रहा है, टेढ़े से याद रखो, टेढ़ो है ना, टी से याद रखोगे टेमाजेपाम, डी से याद रखोगे डाइजेपाम और ओ से याद रखोगे ऑक्साजेपाम। अब आती है आपकी मेमोरी टेक्निक की चीज कि जो जो चीजें डाइजेपाम और ऑक्साजेपाम में होंगी वही टू वही सिमिलर चीजें हमें टेमाजेपाम में भी देखने को मिलेगी, है ना। स्पेसिफिकली ये चीज याद रखना, ये ट्रिक याद कर लो, टे से टेडो, है ना। और टेडो को कैसे लिखोगे, टी ई इधर लिखो और एक छोटा सा एरो लगा के डी ई इधर लिख दो, दो इधर लिख दो। तो ये डाइजेपाम और ऑक्साजेपाम से याद रहेगा टेमाजेपाम में कौन सी चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है आपको। तो अब मैं बात करूँ टेमाजेपाम की, टेमाजेपाम की मैं बात करूँ, ठीक है। तो डाइजेपाम में मैंने क्या बोला, डाइजेपाम में मिथाइल ग्रुप रहेगा यहाँ पे। ऑक्साजेपाम में मैंने क्या बोला, ऑक्साजेपाम में मैंने बोला कि यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा स्पेसिफिकली, है ना। डाइजेपाम के बाद मैंने ऑक्साजेपाम की बात करी, ऑक्साजेपाम के बाद मैंने लोराजेपाम की बात करी, लोराजेपाम में भी ये OH ग्रुप प्रेजेंट था। अगर OH ग्रुप आपने नहीं लगाया होगा तो स्पेसिफिकली जाके लगा देना, क्योंकि स्पेसिफिकली इस OH ग्रुप के कारण भी लोराजेपाम की एक्टिविटी रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन तो लगाना ही लगाना है, बट वहाँ पे OH भी लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको ये नोट करा दी। अब टेमाजेपाम की बात करें, टेमाजेपाम को याद करो, टेढ़ा, टेढ़ो से टेढ़ो, टी ई से टेमाजेपाम, डी से डाइजेपाम, ओ से ऑक्साजेपाम, ऑक्साजेपाम से OH लगा दिया, डाइजेपाम से मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टेमाजेपाम हो गया, ठीक है। टेमाजेपाम को आप बना लो स्पेसिफिकली अपने कॉपी में, ठीक है। आपको जो जो स्ट्रक्चर्स मैं बताते जा रहा हूँ उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आपको कॉपी में स्पेसिफिकली बनाते हुए चलना है, ठीक है। अलग अलग बनाना है हर एक ड्रग का, और हर एक ड्रग का IUPAC नाम नोमेनक्लेचर भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ध्यान रखना, फिलहाल आप स्ट्रक्चर्स बनाने और सीखने पर ध्यान लगाओ, ठीक है। अब एक ड्रग आती है हमारी फ्लुमाजेनिल या फ्लोराजेपाम, ठीक है। फ्लुमाजेनिल या फ्लोराजेपाम के बारे में जब भी हम सोचते हैं या जब भी हम बात करते हैं तो क्या आता है ध्यान में, सबसे पहले ये F से क्या, फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि F मतलब फ्लोरीन होता है, ठीक है। फ्लुमाजेनिल के सबसे, फ्लुमाजेनिल के भी आगे एक चीज़ अगर आप समझो तो इससे पहले भी एक ड्रग आती है जिसका नाम है मिडाजोलम। तो सबसे पहले अपन मिडाजोलम के बारे में पढ़ लेते, फ्लुमाजेनिल बाद में पढ़ लेंगे या फ्लोराजेपाम अपन बाद में पढ़ लेंगे। तो कैटेगरी का नाम भी बोल सकते हैं, इसमें सब कैटेगरी बोल दो आप, इमिडाजोल 1,4
बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक है, ये BZDs मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सीखना चाहिए आपको, ठीक है, इमिडाजोल 1,4-BZDs, ठीक है, बेंजोडाइजिपिन्स। अगर मैं बात करूँ इमिडाजोल की, तो सबसे पहले आप जान लो कि इमिडाजोल है क्या। ये मैंने पायरोल बना दिया, है ना, पायरोल बना दिया। पायरोल के बाद मैंने ये पायराजोल बना दिया, पायराजोल के बाद मैंने ये इमिडाजोल बना दिया, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरोल, ठीक है, इसका नाम है पायराजोल, इसका नाम है इमिडाजोल, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इमिडाजोल। जो भी मैं रिंग्स बताते जा रहा हूँ, स्पेसिफिकली जो बेसिक में जो रिंग्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, सबसे अपन ने पायरोल के बारे में पढ़ चुके अपन, ठीक है, तो इसके बारे में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूँ पायराजोल या इमिडाजोल की, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस में या हेट्रोसाइक्लिक रिंग में या किसी भी रिंग में एक या एक से ज़्यादा आपको हेट्रो एटम देखने को मिल सकते हैं, और उसी के बेस पे मैंने 6 मेंबर्स के कुछ पायरिडीन या पायरिडीन के स्ट्रक्चर्स बताए थे, है ना। तो उसी बेसिक पे 5 मेंबर रिंग में भी जब एक से ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाते हैं तब उनके भी स्पेसिफिक नेम होते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा नाइट्रोजन होने पर इसको याद कर लो आप, ठीक है, कि फर्स्ट पोजिशन पर नाइट्रोजन तो पायरोल, ठीक है, एक और दो पोजीशन पे नाइट्रोजन तो उसको पायराजोल बोलेंगे, एक और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन तो उसको इमिडाजोल बोलेंगे, ठीक है। ये मैंने नोमेनक्लेचर बता दिया आपको, तो ये बात होगी इमिडाजोल की। अब भाई जो बात आती है हमारी कैटेगरी इमिडाजोल 1,4-बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक है, तो इसी आकार में या इसी स्ट्रक्चर में हमें आने वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैंने इमिडाजोल के लिए ये सारी चीज़ें बताई है ना। इमिडाजोल के लिए मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ बता दी है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे मिडाजोलम के बारे में, मिडाजोलम कैटेगरी में कौन सा स्पेसिफिक साइड चेन आपको ध्यान रखना, साइड चेन नहीं बोलेंगे उसको फ्यूज रिंग बोलेंगे। फ्यूज रिंग मैंने आपको बताया इमिडाजोल, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक स्केलेटन बनाने से चालू करते हैं, है ना, बेसिक स्केलेटन आप बनाओ, बेसिक स्केलेटन मैंने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक स्केलेटन जैसे ही अपन बनाते हैं, अब सोचो इमिडाजोल हम कहाँ से फ्यूज कराए कि उस फिट भी प्रॉपरली हो जाए और हमें कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। यहाँ से तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इस बॉन्ड को रिड्यूस करा तो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास एक ही पोजीशन बची या वाली, इस पोजीशन पे हम इमिडाजोल को फ्यूज करेंगे। देखिए अब एक N है, N से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 5 मेंबर रिंग बनाना है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग मैंने यहाँ पे बना दी। अब इमिडाजोल में आप ध्यान करो, इमिडाजोल में क्या है, 1 और 3 पे नाइट्रोजन है, ठीक है, 1 और 3 पे में नाइट्रोजन है इसमें इमिडाजोल में, आपको पता है। तो इस 5 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन तो ये हो गया, तो इसको फर्स्ट नंबर दे सकते हैं अपन लोग, इसको सेकेंड नंबरिंग दे सकते हैं, इसको थर्ड नंबर दे सकते हैं, इसको फोर्थ नंबर दे सकते हैं, इसको फिफ्थ नंबर दे सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड पे अपने को क्या लगाना है, नाइट्रोजन लगाना है, तो यहाँ की थर्ड पोजिशन पर हम नाइट्रोजन लगा देंगे। ये हमारा इमिडाजोल हो गया कम्प्लीट। अब इमिडाजोल के साथ में एक ट्रिक याद रख लो, मिडाजोलम में क्या करना है तुमको, मिडाजोलम में एक ट्रिक याद कर लो, मैं इमीडिएट बोलते ना, इमीडिएट जल्दी, इमीडिएट मिडसेम दिया तो मैं फेल हो गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मैं इमीडिएट मिडसेम दिया, मिडसेम में स्टेट के एग्जाम होते हैं ना आपके, तो उस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखो कि मैं इमीडिएट मिडसेम दिया तो मैं फेल हो गया। अब फेल हो गया तो फेल हो गया से क्या याद समझ रहे हो अपन,
फ्लोरीन होगा ही होगा। मिड सेम से याद रखोगे आप, मिड से याद रखोगे मिडाजोलम, इमीडिएट से याद रखोगे इमीडाजोल, और मैं से याद रखोगे ये सेकेंड पोजिशन पे, ये सेकेंड पोजिशन पे आपका मिथाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप लगेगा, CH3 ग्रुप आपने लगाया है यहाँ पे, तो ये मैं हो गया, इमीडाजोल हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, मिड से याद क्या रखोगे मिडाजोल में याद रखोगे, और फेल से याद रखोगे फ्लोरीन, ठीक है। अब फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ तो लोग फ्लोरीन लगाएंगे नहीं, फ्लोरीन लगाएंगे एक्स्ट्रा हेलोजन जो हमारा है हम यहाँ पे लगाएंगे सेकंड पोजीशन पे, मैंने आपको स्पेसिफिकली बता रखा है कि कहाँ लगाना है, ठीक है। तो फ्लोरीन को हम लगा देंगे यहाँ पे सेकंड 2- पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह लगा देंगे अपन क्लोरीन, क्योंकि नाम में कुछ ना या नहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ड्रग हो गई मिडाजोलम, ठीक है। अब इसी से एक मिलती जुलती ड्रग आप ध्यान में रखो, कौन सी, इसी से एक मिलती जुलती ड्रग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फ्लुमाजेनिल, ठीक है। फ्लुमाजेनिल जिस तरह से ये ड्रग है उस तरह से आपको फ्लुमाजेनिल को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फ्लुमाजेनिल में जैसे पुराना बेसिक स्ट्रक्चर है वैसा पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, इसमें बस अपन बेंजीन बनाएंगे और 7-membered रिंग बनाएंगे, और उसके बाद अपन चीज़ों को रेक्टिफाई करना चालू करेंगे, ठीक है। अब अभी चीज़ों को रेक्टिफाई करना चालू कर रहे हैं, रेक्टिफाई करने का मतलब ऐसे है समझो कि चीज़ों को अपने को लगाना है स्पेसिफिक लोकेशन पे। अब स्पेसिफिक लोकेशन क्या होगी, फ्लुमाजेनिल कौन सी कैटेगरी में आता है, इमीडाजोल कैटेगरी में आता है, तो सबसे पहले इमीडाजोल बना लो। इमीडाजोल मैंने बनाना सिखाया, इमीडाजोल होता है 5-membered, तो सबसे पहले 5-membered रिंग अपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये फर्स्ट नाइट्रोजन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अब इमीडाजोल कहाँ होता है सर, तो इमीडाजोल बेटा आपको स्पेसिफिकली मैंने बता रखा है 1,3 अगर है, 1,3 पे अगर नाइट्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, इमीडाजोल बोल देंगे अपन, ठीक है, इमीडाजोल बोल देंगे। और अगर अपन बोले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब जो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन से जो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगता है वो फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे, इस फिनाइल ग्रुप की जगह जो हमारा यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड वो लगता था उसको सब्स्टिट्यूट करके हम इधर ले आएंगे, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगाओगे, कीटोनिक ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पे लगा दिया कीटोन ग्रुप अपन ने। और जो हमारा नीचे वाला नाइट्रो अगर यहाँ पे हम कीटोन लगा रहे हैं तो यहाँ का डबल बॉन्ड वो हट जाएगा, तो उसकी वजह से ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी देगा, बेंजोडाइजिपिन एंटागोनिस्ट अपन इसको फ्लुमाजेनिल को बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लुमाजेनिल का यहाँ का डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, फिर यहाँ का बॉन्ड वैकेंट हो गया तो यहाँ पे अपन मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, सेवेंथ पोजिशन पर क्या लगाओगे, सेवेंथ पोजिशन पर अपन लगाएंगे फ्लोरिन ओनली। यहाँ पर ऐसा समझो कि याले जो बेंजिन है इसको अपन ने उठा के ऐसा रख दिया, ऐसा उल्टा, समझ रहे हो, ऐसा उठा के ऐसा रख दिया है, और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था बस उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है ना। ये जो डबल बॉन्ड वो यहाँ पे लगता था सेकंड पोजीशन पे इसको बस यहाँ रख दिया, और जो यहाँ का मिथाइल था इस मिथाइल को अपन ने यहाँ रख दिया, बस यही चीज़ आपको बतानी थी। अब इसको याद कर लो, ठीक है, इसकी भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। पहली बार फेल हुआ चौथी में, ठीक है, पहली बार फेल हुआ चौथी में, तो पांचवी क्लास की किट्टू दीदी ने मुझे इमीडिएटली मारा कहाँ पे, चौथी क्लास में आकर, और क्या मारा, एक तड़ से तमाचा मारा, तड़ से तमाचा। अब इसको ईटीएसी से क्या याद रखोगे, ईटी से याद रखोगे इथाइल ग्रुप, और ईएसी से याद रखोगे एसीटेट ग्रुप, ठीक है। अब ईटीएसी से अपन बोल रहे हैं, अब ईटीएसी कहाँ है, अब फोर्थ पोजीशन की बात आ रही है सर, फोर्थ पोजीशन तो सारी इस पर हो गई है, बट बेटा इमीडिएट आके मारा, इमीडिएट चौथी कक्षा में आके मारा उन्होंने,
तो इमिडिएटली उन्होंने चौथी कक्षा में आई, तो वो इमिडिएटली कौन सी आई है, इमिडाजोल में, इमिडाजोल में वो आई और उन्होंने बिल्कुल चट्ट से बजा दिया है ना, CO CO C2H5 इथाइल एसीटेट यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, मैं भी इसको नाम को हटा देता हूँ है ना, तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। फ्लोरीन लगाया 7th पोजीशन पे, मिथाइल लगा 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे ओ लगा, और जो हमारी एमिडाजोल की 4th पोजीशन थी उस पे इथाइल एसीटेट लगा। यही स्पेसिफिकेशन है फ्लुमाजेनिल में, बस इतना ही था। अब जो आगे का पोर्शन है वो बहुत इजी है ना। अब ट्राइएज़ोल डेरिवेटिव के अपन बात कर लेते हैं। ट्राइएज़ोल डेरिवेटिव क्या होते सर? अब ट्राइएज़ोल डेरिवेटिव से आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्राइएज़ोल है ना, ट्राइएज़ोल, ट्राइ मतलब तीन होता है, एजो एजा मतलब नाइट्रोजन होता है ना। अगर जिस 5-membered रिंग में, और ओल का मतलब 5-membered होता है ना, जिस 5-membered रिंग में तीन नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको ट्राइएज़ोल रिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ट्राइएज़ोल कैसे कैसे हो सकते हैं सर? ट्राइएज़ोल एक स्पेसिफिक ध्यान में रखना कि जो अपन ट्राइएज़ोल यूज़ करते हैं ये 1, 3, 4 ट्राइएज़ोल्स ही हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये आपकी ट्राइएज़ोल रिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिंग्स के बारे में आपको बता दूं कि 1, 3, 4 ट्राइएज़ोल को ही अपन यूज़ करते हैं। अगर अपन ट्राइएज़ोल रिंग को फ्यूज़ करेंगे बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी में तो स्पेसिफिक ड्रग निकल के आएगी एल्प्राजोलाम, सुना होगा नाम आपने, एल्प्रेक्स नाम रखते हैं इसका है ना अपन। तो मैंने आपको ये बता दिया स्पेसिफिक जो हमें रिंग यूज़ करनी है इसमें है ना। तो एल्प्राजोलाम मैं बोल रहा हूँ, एल्प्राजोलाम एल्प्राजोलाम मैं अगर बोल रहा हूँ तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना, बेसिक स्केलेटन बनाओ आप पहले, बेसिक स्केलेटन बनाने के बाद अब इसमें ट्राइएज़ोल रिंग बनानी है। ये होगी आपकी फर्स्ट पोजीशन, अब कौन सी पोजीशन पे लगाना, सेकंड पे लगा नहीं सकते, थर्ड पे लगाएंगे, फोर्थ पे लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। मतलब 5-membered बनाओ, ठीक है, 5-membered बनाओ, थर्ड पे बना दो, फोर्थ पे बना दो, ठीक है, नाइट्रोजन, तो ऐसी वाली रिंग्स को अपन बोलेंगे ट्राइएज़ोल रिंग। ठीक है, तो ऐसी वाली रिंग को अपन बोलेंगे ट्राइएज़ोल रिंग। अब एल्प्राजोलम की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें ना या नहीं नहीं है तो क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। क्लोरीन अगर आ गया तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैंने बोला था कि बहुत सारे केसेस में आपको सिर्फ क्लोरीन ही देखने को मिलेगा, NO2 बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा। तो ट्राइएज़ोल को किस तरह से अपने को फ्यूज़ करना है बस ये जान लो। ठीक है, अब एल्प्राजोलम अगर अपन ने पढ़ लिया तो इसके साथ एक और ड्रग याद कर लो आप, ट्राइएज़ोलम। ठीक है, ट्राइएज़ोलम, ये तो ट्राइएज़ोल है उसी के एल्प्राजोलम से ही बनी एक ड्रग है, एल्प्राजोलम से बनी ड्रग उसको बोलेंगे ट्राइएज़ोलम। ठीक है, ट्राइएज़ोलम जिसको अपन बोलेंगे। ट्राइएज़ोलम में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्राइएज़ोलम में यहाँ पे जो 2' पोजीशन है यहाँ पे भी आपको क्लोरीन बस लगा देना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो ये जो ड्रग का स्ट्रक्चर आपके सामने बन के उभरा है, ये जो स्ट्रक्चर बन के आया आपके सामने, ये बन गया ट्राइएज़ोलम ड्रग का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी की सारी ड्रग्स ख़त्म होती है और आने वाले दिनों में मैं इनके सिंथेसिस और इनके SAR के भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनसे समझ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।